वेलकम टू डिजिटल अध्यापक। कई क्वेश्चन है कि यूज किरचॉफ रूल टू डिटरमाइन द करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट। आपके पास ये सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी और आपको इसका सॉल्यूशन देना है। अभी तक का ऐसा क्वेश्चन आपने सभी सॉल्व नहीं किया है तो किरचॉफ रूल का दोनों लॉ उनको लगाना है यहाँ पे, क्योंकि किरचॉफ रूल से ही सॉल्व करना है। तो अप्लाइंग किरचॉफ जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या था कि जितना करंट आना चाहिए उतना ही करंट जाना चाहिए, तो आई इनपुट इज इक्वल टू आई आउटपुट। आप यहाँ को अगर ध्यान दीजिए ये वाला जंक्शन, तो यहाँ पे I1 ऊपर जा रहा है, I2 नीचे आ रहा है, यहीं से डिवाइड रीजन होगा। तो इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन के हिसाब से आपके पास आता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। अब आपके पास दूसरा रूल लगाना ही जरूरी इसलिए है, और दूसरा रूल क्या है कि अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल। लूप रूल के हिसाब से कि उस लूप में आने वाले नेट वोल्टेज का जो सम होता है वो जीरो होना चाहिए, यही किरचॉफ्स का सेकंड रूल यही है। हम पहला रूल कंसिडर करते हैं ABCF। तो इन लूप ABCF, अगर हम लूप ABCF कंसिडर कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो तो वैल्यू आप नेगेटिव लेंगे। कौन सी वैल्यू? पोटेंशियल की। अगर करंट के डायरेक्शन में है तो वैल्यू आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। जैसे ए से बी की तरफ आएंगे तो करंट और करंट के अपोजिट ए से जब बी आएंगे, क्योंकि हमने लूप क्या कंसिडर किया है ए से बी, तो जब आप ए से बी आएंगे तो ए से जब बी आने के बाद बच्चों आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, आई वन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आई वन और 30 को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो क्या लिखेंगे? माइनस आई वन 30। तो क्या लिखेंगे? माइनस 30 आई वन। और ऊपर से जाएंगे तो बी और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। सी से डी की तरफ जाएंगे, जब सी से डी की तरफ जाएंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? सी से एफ की तरफ। जब सी से एफ की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा 20। और 20 किसमें है? पॉजिटिव में आप कंसिडर करेंगे तो जाएगा 20 आई, और 20 आई कंसिडर करेंगे इज इक्वल टू आपके पास कितना है? ये 20। आप इस 20 को कंसिडर करिए, 20 हो रहा है। अब इसमें से अगर आप कॉमन करते हैं तो आपके पास इक्वेशन मिलता है 3I1 प्लस 2I इज इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। जब आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा तो आपको दूसरा लूप भी कंसिडर करना पड़ेगा। इन लूप कौन सा लूप आपको लेना पड़ेगा? अब दूसरा लूप आपको चूज करना पड़ेगा ABDE। तो इन लूप ABDE, अगर ABDE लूप से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको -3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 8। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही मिलेगा। यह आपका इक्वेशन नंबर 3 होगा। अब देखिए दूसरे वाले इक्वेशन में आपके पास आई की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं I1 प्लस I2। तो इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके आप देख सकते हैं 3I1 प्लस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2। इसको लिखेंगे आप 3I1, और 2I1 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5I1, और प्लस 2I2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर, इसको आप कंसिडर कर लीजिए 4। अगर तीसरे और चौथे इक्वेशन को लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को लेकर सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मिलता है आपको। इक्वेशन 3 लीजिए, तो अगर आप इक्वेशन 3 लेते हैं और 4 लेते हैं तो आपके पास आएगा 5I1 प्लस
2i2 इज इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन है आपका -3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस, तो सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 8i1 इज इक्वल टू -6। तो यहां से आपके पास i1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6/8, तो -6/8 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं -3/4 एम्पियर, ये आपके पास i1 की वैल्यू है। अब आपको i2 निकालना है, तो फॉर i2, अब i2 निकालेंगे आप क्या करेंगे, इस i1 की वैल्यू आप कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये लिखते हैं। तो अगर आप i1 की वैल्यू ले आके यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो फॉर i2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 3 में रख दिया जाए, तो यहां में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आ जाएगा -3, i1 की जगह पुट करेंगे -3/4 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, अगर ये माइनस 10 जाएगा तो प्लस 9 जाएगा, 9/4 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 8, तो आपको मिलेगा (2i2) = 8 - 9/4। फिर ये 2 अंदर चला जाएगा, तो आप फिर इसको लिख सकते हैं (i2) = 1/2 इन द ब्रैकेट 8 - 9/4। ऐसे निकालने के बाद जो आंसर आएगा उतना एम्पियर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सर्किट में करंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो इस तरह से आपका आंसर नंबर जो आंसर है इस क्वेश्चन का, उसमें करंट i1 की वैल्यू ये हो जाएगी और i2 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये आपका आंसर है बच्चों।